तो कल हम लोग इसी स्लाइड को सामने रखकर चर्चा कर रहे थे, इसको ब्रीफली रिकैप कर ले अभी तक जितनी बात हुई। तो हम लोगों ने शुरुआत यहाँ से की, इस बात को देखने से कि सुख स्वभाव है या प्रभाव है। तो दिखता है कि हमारी सहज स्थिति तो यही है कि सुख का स्रोत मेरे स्वयं में हो, मुझे उसके लिए बाहर निर्भर ना होना पड़े। परंतु अभी चूंकि अपने ऊपर और काम करना शेष है, अभी अपना विकास शेष है, तो हम सुख के लिए बाहर निर्भर हो जाते हैं। और सुख के लिए जब बाहर निर्भर होते हैं तो दो स्रोतों पर निर्भर होते हैं, एक तो शरीर से मिलने वाली संवेदना और दूसरा दूसरे से मिलने वाला अनुकूल भाव। थोड़ा विश्लेषण करते हैं तो ये पता लगता है कि इन दोनों ही स्रोतों में न तो निश्चितता है, न निरंतरता है, तृप्ति बिंदु नहीं है, परतंत्रता है और सार्वभौमिकता भी नहीं है। परंतु यदि सुख के स्रोत को स्वयं में देखने जाते हैं तो दिखता उसका स्रोत हो सकता है मेरी समझ, यानी सही समझ, सही भाव। तो इसके लिए धीरे धीरे अपने अंदर एक प्रेरणा बनती है, इसके लिए जिज्ञासा बनती है, अपने ऊपर काम करने का उत्साह बनता है और हम सभी इसी प्रोसेस में लगे हुए हैं। इसमें हमको दिखाई देगा कि अब ये प्रतंत्रता हमारी धीरे धीरे कम होती जाती है और हम अपने सुख के लिए स्वयं पर निर्भर होना शुरू करते हैं। अगर हम दुखी होते हैं तो अपनी समझ, अपने भाव पे हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं। इसी क्रम में फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि सुख क्या है, तो व्यवस्था को समझना, संगीत को समझना और उसमें जीना, यही सुख है। ये जो बाहर से मिल रहा है तो सूचना मात्र है और इससे कई बार हम एक्साइटेड होते हैं, कभी डिप्रेस होते हैं। तो जो बाहर से मिल रहा है वो सूचना मात्र है, ये बात हम लोग और ध्यान से जब ऑब्जर्व करेंगे अभ्यास दो में खासतौर पर, ये और स्पष्ट होगा। उसी क्रम में हमने प्रॉस्पेरिटी को भी समझना शुरू किया और इस पर हमें एक प्रस्ताव मिला था प्रॉस्पेरिटी को लेकर, इस पर हम जांच परख भी करते रहे हैं। अब इसको और बारीकी से देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो जितनी बारीकी से देखते हैं दिखता है कि सुविधा की आवश्यकता सीमित है। उस क्रम में हमने बहुत सारे अभ्यास भी लिए, ध्यान भी दिया। सुख और समृद्धि को बात करते हुए फिर हम लोगों ने आगे मानव चेतना की बात की कि अल्टीमेटली यदि मैं उभय सुख पूर्वक, उभय समृद्धि पूर्वक जी पाता हूँ, सही समझ, सही भाव और आवश्यक सुविधा की पहचान के साथ, तो मैं मानव चेतना में जी रहा हूँ। जब सुविधा की आवश्यकता की सही पहचान हो पाती है और सही समझ होती है तो प्रकृति के साथ कैसे निर्वाह करना है, ये भी स्पष्ट होता है। इसको और फैला के जब देखते हैं तो दिखता है कि मेरे अंदर जितनी जितनी समझ और भाव की सुनिश्चितता होती जाती है, उतना ही मैं अखंड समाज में, यानी समाज खंडित ना हो, बटा हुआ ना हो, यानी हर एक के साथ में न्यायपूर्वक जी पाऊँ, उभय सुखपूर्वक जी पाऊँ, उसमें भागीदार हो जाता हूँ। वैसे ही जितना जितना सुविधा की आवश्यकता की पहचान ठीक होती है और प्रकृति के साथ मेरा जुड़ाव ठीक होता है, मैं सार्वभौम व्यवस्था में भी भागीदार हो जाता हूँ। और इसी को अगर हम पीढ़ी दर पीढ़ी सुनिश्चित कर पाते हैं तो मानवीय परंपरा का रूप ले लेते। तो अपने को दिखाई देगा कि एक छोर पे हमें स्वयं में सही समझ, सही भाव के लिए काम करना है, दूसरी तरफ भागीदारी के रूप में देखें अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था और इसके आधार पर बनने वाली मानवीय परंपरा, इसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। हम सभी इस क्रम में हैं, हम लोग अपना समय भी लगा रहे हैं, प्रयास भी लगा रहे हैं, परंतु ऐसा हो सकता है कि अभी भी कई अवसरों पर मान्यता ग्रस्त हैं और बाहर से कुछ पाकर सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको और ध्यान देने की जरूरत है। तो ये कंटेंट धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, तो जितनी बात अभी हो रही है उसमें पिछली जितनी बातें हुई वो सारी शामिल है और अपने ऑब्जर्वेशन को और शार्पन करना है डे बाय डे। तो जैसे असाइनमेंट जो हमने पहले लिया था और अब जो असाइनमेंट ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि पिछली बार का असाइनमेंट एक या दो दिन के लिए था, उसके बेसिस पे अपने को आगे चलना है। तो ये अपने को दिखाई देगा कि अभी अगर सेल्फ पे और बात करेंगे हम डिटेल में, सेल्फ में जो क्रियाएं हो रही हैं वो कुछ ही क्रियाएं अभी ठीक से हो पा रही हैं, कुछ क्रियाएं अभी जागृत ही नहीं हुई है। तो हो सकता है अभी हम सिर्फ नीचे की कुछ क्रियाओं में ही क्रियाशील हैं और इसीलिए मान्यता ग्रस्त हैं, संवेदनाओं पर निर्भरता बनी हुई है, दूसरे से भाव पाकर सुखी होने की प्रतंत्रता बनी हुई है। और जब हम ऐसा जी रहे होते हैं तो हम समाज में भी इन्हीं बातों को स्थापित करने लगते हैं। इसलिए समाज में जहाँ मानव लक्ष्य की पूर्ति होती उसके स्थान पर भ्रांतियां, मान्यताएं प्रचलित हो जाती हैं।
वैसे ही, क्योंकि अगर हमें सुविधा की आवश्यकता की सही पहचान नहीं होती तो परिवार के स्तर पे भी आवश्यकता की पहचान ठीक से नहीं हो पाती और सुविधा संग्रह और भोग में लगे रहते हैं और फिर उससे समाज में विकृतियां तैयार हो जाती हैं। क्योंकि संबंध पूर्वक नहीं जी पाते तो न्याय नहीं कर पाते दूसरों के साथ, तो हमें भी भय रहता है, दूसरे को भय रहता है, फिर तो भय का वातावरण बन जाता है। यही परिवार में दिखाई देता है, परिवार से समाज में जाता है। और आप देखेंगे अभी जिस तरह के न्यूज आते हैं उसको लेकर भय और बढ़ता ही जाता है, जितना जितना उन चीजों को सुनते हैं जो परिवार में समाज में अव्यवस्था के बारे में, भय और बढ़ता जाता है। और प्रकृति का दोहन शोषण इस क्रम में चलता रहता है, क्योंकि हमको लगता है कि अल्टीमेटली प्रकृति का अधिक से अधिक शोषण करके, अधिक से अधिक सुविधा कर संग्रह करके सुख को बढ़ाया जा सकता है, तो उस क्रम में कुचक्र बन जाता है। परंतु इसे बाहर निकलने की जरूरत है, और इसे बाहर निकलने के लिए अपने को दिखाई देता है कि मूल में तो अपने अंदर जागृति है, अपना पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, स्वयं में परिमार्जन है। ये मैं कर पाता हूँ तो जैसे पहले बात हुई, तभी मैं बाहर में भी व्यवस्था में भागीदार हो पाता हूँ। स्वयं में अगर मैं मेरे आचरण की निश्चितता, मेरे भाव की निश्चितता, समझ की पूर्णता हो पाती है, तभी मैं बाहर भी ठीक से भागीदार हो पाता हूँ। और इस क्रम में शिक्षा का एक बहुत मेजर रोल है। तो परिवार में जो बच्चों को इनपुट मिल रहा है वो भी एक शिक्षा है, बाहर स्कूल कॉलेज में जो मिल रहा है वो भी शिक्षा है, तो शिक्षा का एक मेजर रोल है, साथ ही वातावरण का भी रोल है। और हम सबका अपना एक संस्कार है, उन संस्कारों के साथ हम गति करते हैं। तो भले ही हमें शिक्षा बहुत इस दिशा में नहीं मिली, वातावरण अनुकूल न मिला, परंतु यदि हमारा संस्कार पुष्ट होता है, पहले से हमने ध्यान दिया हुआ है, जांचने का प्रयास किया है, विश्लेषण किया है और समझ की आवश्यकता को पहचाना है, तो खुद से भी गति कर पाते हैं। इन सबके योग संयोग से हमारे अंदर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो पाता है, और फिर इस पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से सोसाइटी में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो पाता है। सोसाइटी भी क्या है, मानवों से ही बना हुआ है, तो जो कार्यक्रम मेरे लिए है वही कार्यक्रम दूसरे के लिए है। तो अभी भी हम देखें तो ऐसा एक क्रम दिखाई देता ही है, जो ऑनलाइन वर्कशॉप हो रहे हैं उसमें जहाँ तक मुझे ध्यान है करीब 70-80 हज़ार लोगों ने अभी वर्कशॉप कर लिया है। तो जो बात कुछ लोगों के ध्यान में आई थी अब वो इतनी बड़ी संख्या में ध्यान में आ गई है, उन सब लोगों के साथ हजारों लोग जुड़े हुए हैं, अपने लोगों के साथ ध्यान में आएगी और सबके अंदर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। फिर आप पाएंगे कि एक पॉइंट पे एक संस्कृति तैयार हो जाती है। जैसे आज से 25 साल पहले जहाँ वैल्यू एजुकेशन को इस रूप में नहीं देखा जा रहा था कि अनिवार्य है, आज के दिन हर तरफ बात हो रही है। अभी नैक का एक डॉक्यूमेंट इशू हुआ है जुलाई में, उस पर कल बात हुई थी, तो उसमें हर आयाम में कैसे वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट किया जाए इसकी आवश्यकता को पहचाना गया है, हर तरफ बात हो रही है। तो एक संस्कृति का निर्माण होगा, जहाँ लोग अभी सुविधा संग्रह की बात कर रहे हैं या ज्यादातर समय उसमें लगा रहे हैं, प्रयास लगा रहे हैं, तो सुख की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, समृद्धि की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, संस्कृति का निर्माण होगा। इस पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से धीरे धीरे सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। संस्कृति का मतलब जो सबके संस्कारों का सम्मिलित रूप है, संस्कारों का, है ना, संस्कार शब्द से ही संस्कृति बनी है, तो उसको संस्कृति कहा, ठीक है। फिर वही हमारे व्यवहार में जाता है तो व्यवस्था का रूप ले लेता, सभ्यता का रूप ले लेता है। तो हम जिस तरह से व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंधों का निर्वाह करते हैं, तो सभ्यता का रूप लेता है। फिर उससे आगे व्यवस्था बन जाती है, जिसमें हमारा पूरा जीना, सुविधाओं की आवश्यकता को पूरा करना आदि सभी शामिल हो जाते हैं। इस तरह के एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करने की जरूरत है। तो शुरुआत तो हम अपने आप में करते हैं, फिर हमें जैसे जैसे आवश्यकता दिखती है तो शिक्षा में भी काम करते हैं, अन्य जो समाज के आयाम है उस पर भी काम करते हैं और एक व्यवस्था का रूप ले लेता है। ये क्रम दिखाई देता है। तो कल हमने असाइनमेंट लिया था कि इस बात को हम देखें कि क्या सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एसेंशियल है कि नहीं, इस पर आप अपने रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि नियम कानून और कड़े कर दो, दंड और बढ़ा दो, जरा सा अपराध हो, है ना, तो लोगों को कड़े से कड़े दंड दे दो, हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा दो, पुलिस की संख्या और बढ़ा दो, आदि आदि। और हमको लगता है ऐसे सोसाइटी नियंत्रित हो जाएगा कि नहीं, परंतु आपको दिखाई दे जाएगा कि जहाँ पे जो नियंत्रण करने वाले तंत्र हैं और बढ़ा दिए गए हैं, वहाँ क्राइम और ज्यादा हो रहे हैं और
सटल लेवल पे हो रहे हैं, तो ये हमको बात दिखाई देती है कि नहीं कि सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एसेंशियल है। इस पर कल हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन के लिए असाइनमेंट लिया था, उसको हम अपने आप में देखें। तो कई बार ये होता है कि जब हम समस्याओं को बाहर देखते हैं तो उसके लिए उपाय सोचते हैं कि ये तरीके अपनाए जाने चाहिए, वो तरीके अपनाए जाने चाहिए, बट हम इस बात को नहीं देख पाते कि जो भी लोग समस्या में शामिल हैं, चाहे समस्या पैदा करने वाला या समस्या भोगने वाला, इन सबका इंटेंशन तो सही है, कॉम्पिटेंसी कमी है। ये भी दिखाई देगा कि जो व्यक्ति समस्या पैदा कर रहा है उसके भी कॉम्पिटेंसी कमी है, और कई बार ये भी दिखाई देगा कि जो समस्या भोगने वाला है उसके भी कॉम्पिटेंसी कमी है। इसलिए दोनों के कॉम्पिटेंस को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इंटेंशन दोनों को साउंड है, इंटेंशन ठीक है, अगर ये बात हमको स्पष्ट होती है तो हम उसका एक होलिस्टिक सोल्यूशन देख पाते हैं। और जब हम इसको देखने जाते हैं तो हम अपने इंटेंशन को भी क्वेश्चन करते हैं, मेरा इंटेंशन हर बार ठीक रहता है या इंटेंशन में कुछ हिलता डुलता रहता है, हम अपने भी कॉम्पिटेंस का इवैल्यूएशन करते हैं। तो है ना, बाहर की समस्याओं को देखकर हम बहुत सारे विचार में तो ले आते हैं चीजों को, उसमें भी हम ट्रिक्स या तरीके तौर तरीके इनको सोच लेते हैं, बट समझ पे काम नहीं करते। इसलिए जब अपने ऊपर वो बात आती है तो फिर हम है ना तो लगता है कोई नई स्थिति आ गई, घबरा जाते हैं। और देखिए क्या काम करना है वो भी निश्चित है कि ट्रांसफॉर्मेशन करना है अपने में। विचार पे हम जितना भी काम करते हैं ना उसमें कोई न तो निश्चितता होती है ना निरंतरता होती है, सार्वभौमिकता भी नहीं होती, क्योंकि तो विचार पे किया गया काम, हम अपने ही विचारों कई बार खुद ही कट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, निगेट कर देते हैं। तो जो कल बात हुई थी कि चार स्टेप्स है, एक तो हमको समाधान दिखाई दे स्वयं में कि समस्या आती है तो कई बार हमारे अंदर समस्या की समीक्षा शुरू होती है और कई बार हम उससे बहुत पीड़ित भी हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, परंतु हमें दिखाई दे कि समाधान है ठीक, और फिर हम दूसरे को समाधानित करने के लिए प्रयास करते हैं। तो इससे एक सही जीने का स्वरूप निकलता है, एक संस्कृति तैयार होती है, एक सभ्यता तैयार होती है जी। इसके साथ जो समस्याएं आती हैं फिर उसकी हम समीक्षा कर पाते हैं और उसके निराकरण के लिए प्रयास भी कर पाते हैं। नहीं तो क्या होता है अभी एक और दो नंबर पे जो है ना कि समाधान और समाधान के प्रयास इसको हटा दे तो समस्याएं आती रहती हैं, हमसे प्रभावित होते हैं, फिर जब निराकरण करने की बारी आती है तो हम रिएक्टिव हो जाते हैं, तो हम ये विचार करेंगे कि ये अपराधी जो है इसको कड़ा से कड़ा दंड मिले। यही बात हो रही थी अभी, जब कोई ऐसी समस्या आती है सामने तो हमको लगता है कड़े से कड़े दंड मिले, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, है ना, ढेर सारे उपाय किए जाए, बट हमको ये नहीं दिखता है कि ये समस्याएं जो आ रही है इसके मूल में समस्या तो बहुत पहले से बनी हुई है, अपराध तो आज हुआ है। राइट, तो अभी जी, जो युद्ध की हालत देखे तो युद्ध की हालत तो बहुत बुरी है और दोनों तरफ से है ना मेल दोनों से समस्या हो सकती है, तो उनमें कैसे राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, कैसे राइट फीलिंग डेवलप हो, तो अपने को काम करने की जरूरत है ताकि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए। थोड़ा मैं कंटेंट को यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो ये बात हम सबके ध्यान में आई थी वर्कशॉप में भी कि समाज में जीते हुए हम सबका एक कॉमन गोल हो सकता है, एक सामान्य लक्ष्य हो सकता है। तो लक्ष्य रूप में देखें तो पहले दिखाई देता है कि जो इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई या पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, तो हर व्यक्ति में सही समझ सही भाव यानी समाधान हो, ये लक्ष्य के रूप में दिखाई देता है। पहला लक्ष्य तो यही है, क्योंकि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से ही सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। अगर बात हमको स्पष्ट होती है तो एक मानवीय समाज में यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति में समाधान हो यानी सही समझ हो सही भाव हो, तभी परिवार में समृद्धि की पहचान ठीक से पाएगी, समृद्धि का भाव सुनिश्चित हो पाएगा। तो सही समझ के साथ ही हम सुविधा की आवश्यकता की पहचान ठीक कर पाते हैं और शेष प्रकृति के साथ जुड़ के निर्वाह भी कर पाते हैं, और समृद्धि परिवार में ही परिभाषित हो पाता है जीने में। तो जब मानव में सही समझ होती है तो परिवार में समृद्धि सुनिश्चित हो पाता है, और जब मानव परिवार से ही ठीक से जी रहा होता है तो समाज में भी एक अभय का वातावरण बन पाता है। अगर हमारा परिवार में व्यवहार ठीक है तो हम वही व्यवहार बाहर समाज में भी करते हैं, अगर परिवार में हमारा व्यवहार अन्यायपूर्ण है तो बाहर समाज में भी वो अन्यायपूर्ण हो जाता है। तो इन दोनों के आधार पर यानी मानव में समाधान और परिवार में समृद्धि के आधार पर समाज में अभय हो पाता है, फियरलेसनेस हो पाता है, और इन सबके साथ जब हम प्रकृति में निर्वाह करते हैं तो पेड़ पौधे पशु पक्षी मिट्टी हवा पानी इन सबके साथ हमारा निर्वाह ठीक हो पाता है, हम सहस्तित्व पूर्वक निर्वाह कर पाते हैं। तो व्यक्ति में समाधान, परिवार में समृद्धि, समाज में अभय और प्रकृति में सहस्तित्व, ऐसा अपने को लक्ष्य के रूप में दिखाई देता है। इसको हमने देखा भी है, चर्चा भी की है और इसको हम अप्रिशिएट भी कर पाते हैं।
अब देखने की बात है कि हम यहाँ पहुंचेंगे कैसे, ये मुख्य मुद्दा है। तो क्या होता है, हम बहुत समय तक प्रयास करते हैं और अपने को कोई अगर सिग्निफिकेंट चेंज ना दिखाई दे समाज में तो हमारे अंदर एक निराशा भी बन जाती है, और उसमें सामान्य रूप से ये होता है कि जो पहला स्टेप है हम उसको मिस आउट कर जाते हैं और हम सोचते हैं समाज में अभय हो जाए, अभी हो नहीं रहा, प्रकृति में से अस्तित्व हो जाए, अभी हो नहीं रहा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी जो व्यक्ति में ट्रांसफॉर्मेशन होना है उस वाले पार्ट को मिस आउट कर जाते हैं। तो अगर अभी के समाज की स्थिति को देखें तो लगता है भीड़ की तरह है, एक युद्ध के मैदान की तरह है। भीड़ का मतलब कि किसी को इससे मतलब नहीं है, है ना, संबंध की पहचान ही नहीं है। युद्ध के मैदान मतलब कि आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं कि नहीं। तो अगर हम अभी की स्थिति देखें तो दिखता है कि कुछ मान्यताएं ऐसी बन गई हैं, जैसे पैसा ही सब कुछ है, कोई विश्वास करने योग्य नहीं है, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो दूसरे कंधे पर पैर रखे आगे बढ़ना होगा, जीवन संघर्ष है, यहाँ पे हर व्यक्ति को जीने के लिए दूसरे से संघर्ष करना पड़ता है और सिर्फ जो संघर्ष में विजयी होंगे वही जी पाते हैं। ऐसे बहुत सारी मान्यताएं बन जाती हैं। जो कॉम्पिटिशन पे भी हम लोग बात कर रहे थे, कॉम्पिटिशन कल्पनाशीलता का एक अभिन्न अंग सा बन गया है। जब ऐसी मान्यताएं बनती हैं स्वयं में तो फिर आदमी सुखी होने के लिए, समृद्ध होने के लिए संग्रह में लग जाता है और एक्युमुलेशन कार्यक्रम शुरू हो जाता है, ये भी दिखाई दे रहा है। फिर जब ऐसा होता है तो समाज में एक दूसरे पे दमन करना, शोषण करना, भय के वातावरण सब बन ही जाता है। इस पर भी कई सारे उदाहरण हम लोग को मिलते रहते हैं। और फिर प्रकृति का दोहन शोषण शुरू हो जाता है। अभी आप देखें तो NCR में अभी जो प्रदूषण की स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि आप बिना मास्क लगाए चल पाए, है ना, इतना प्रदूषण अभी बना हुआ है। कई जगहों पे पानी का भाव हो गया है। तो इन समस्याओं पे अभी बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, इस पे हमारा ध्यान तो जाता ही रहता है। तो व्यक्ति में तीन तरह के उन्माद दिखाई देते हैं, एक का भोग उन्माद, एक का लाभ उन्माद, एक का काम उन्माद। तो ऑब्सेशन फॉर कंजम्पशन, भोग उन्माद मतलब शरीर के पोषण संरक्षण के लिए जितनी सुविधा की जरूरत है उससे बहुत ज्यादा हम संग्रह करके या उसका भोग करके सुखी होने में लगे रहते हैं। तो जैसे आप पाएंगे कि एक यहाँ पे एक करप्शन का केस आया था NCR में, और उसमें एक व्यक्ति जिनके ऊपर आरोप लगा, उस समय उनके पास 1000 मकान थे। अब 1000 मकान को आदमी कैसे भोगेगा, ये मैडनेस है। अगर एक व्यक्ति को हर दिन एक मकान में रहना हो, दूसरे मकान में रहना हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितना ज्यादा मेहनत पड़ेगा। कम से कम 3 वर्ष तो लग जाएंगे उसको मकान बदलते बदलते रहने में। तो 1000 मकान एक व्यक्ति ने संग्रह करके रखा हुआ है ना, भोग उन्माद। वैसे ही खाने पीने के बारे में बात हुई थी कि अभी हम भोजन से अपने आप को भरकर तृप्त हो जाएंगे, इस भाव से जो हम खाने जाते हैं तो अभी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसे अभी आज के दिन बता रहे हैं कि ओबेसिटी शहरों में बच्चों की एक मेजर समस्या बन गई है। इंग्लैंड में बताते हैं कि 80% बच्चे ओबेसिटी के शिकार हैं। भारत के मेट्रो सिटीज में भी ये कठिनाइयां आने लगी हैं, विदेशों में कई जगह कठिनाइयां हैं। तो कहीं लोगों को खाने को पर्याप्त नहीं मिल रहा, अफ्रीकन कंट्रीज में देखें, थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिनको कह रहे हैं उनको देखें तो खाने को पर्याप्त नहीं मिल रहा। तो कहीं पे लोग इतना खा रहे हैं कि मोटापे के शिकार हो गए हैं, है ना। तो कंजम्पशन का एक मैडनेस हो जाता है, अधिक से अधिक कंज्यूम करके, यानी अधिक से अधिक शरीर का पोषण संरक्षण करके हम सुखी हो जाएंगे, ऐसी मान्यता बनी रहती है। वैसे लाभ उन्माद, तो हमें कितना लाभ कमाना है ये निश्चित नहीं है, ठीक है। तो अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए हम दूसरे व्यक्ति के साथ अन्याय करते हैं, धोखा देते हैं, अमानवीय कृत्यों में जाते हैं, लाभ उन्माद दिख ही रहा है। ये भी कंपनीज के लिए ये जरूरी नहीं है कि जितने एम्प्लॉयज हैं वो सभी समृद्ध हों और समाज का पोषण हो, प्रकृति का पोषण हो, बल्कि ये हो गया कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, नंबर वन बनना है। इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए एक ट्रैप में फंस जा रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं, अगर आप देखें तो उससे पता चलता है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हमारे देश में शुरू हो रहे हैं, ठीक, और शुरू में अच्छा भी कर रहे हैं, बट एक लाभ उन्माद के कारण एक समय के बाद हजारों करोड़ के लॉस में जा रहे हैं और फिर उसे निकलने के लिए नए नए तरीके सोच रहे हैं, जिसमें समाज के साथ धोखा करने की बात हो जाती है, अन्याय करने की बात हो जाती है। तो मैडनेस ऑफ प्रॉफिट है, बिलियनेयर बनना है, ये लक्ष्य बन गया है, बिलियनेयर बनना है। ये नहीं कि हमें इतने सारे लोगों को के परिवारों का पोषण करना है, समाज के लोगों का पोषण करना है। तो ये जो लालच हो जाता है, ये जो
एक भय बन जा, एक जो इच्छा बन जाती है ना, ये समाज में बहुत सारी अव्यवस्था पैदा करती है। अभी जब बच्चों से बात होती है इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान, कई बार ऐसा होता है कहीं अगर टॉक देने गए और हम लोग तो कई सारे बच्चे साथ में बैठे होते हैं, तो थोड़ा ही समय मिलता है बात करने के लिए, परंतु उसमें कुछ रेलिवेंट क्वेश्चंस अगर किए जाए तो रिफ्लेक्ट करता है कि अभी बच्चों की कैसी मान्यताएं बनती जा रही है। जैसे कई बार जब बच्चों से बात होती है तो पूछते हैं उनसे कि भाई आप में से कितने लोग बिलियनेयर बनना चाहते हैं, सभी हैंड रेज करते हैं, शायद ही कोई छूटता होगा इसमें। फिर आप बच्चों से पूछिए कि आप में से कितने लोग सुखी होना चाहते हैं, फिर सभी हैंड रेज करते हैं। फिर आप तीसरा प्रश्न ये कीजिए कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि बिलियनेयर बन के आप सुखी हो जाएंगे, तो बहुत कम ही लोग हैंड रेज करते हैं। तब लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर ये प्रश्न चिन्ह घूमने लगता है, क्या बिलियनर होके सुखी हो जाएंगे। फिर आप चौथा प्रश्न कीजिए, तो फिर बिलियनर बनने की इच्छा क्यों है, तो बच्चे हंसने लगते हैं। तो ये जो मैडनेस ऑफ प्रॉफिट है, या है ना, एक्यूमुलेशन है, कंजम्पशन है, ये धीरे धीरे शिक्षा में भी इतना ठीक से स्थापित हो गया है, उसका मूल्यांकन करना जरूरी है। वैसे मैडनेस फॉर या ऑब्सेशन फॉर सेंसुअल प्लेजर है ना, काम उन्माद, ये शरीर से मिलने वाली संवेदना से सुखी हो जाए, इसके लिए अधिक से अधिक प्रयास हो रहा है। अभी आप देखिए बच्चों में ड्रग्स की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, लीकर कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है ना, समाज में सब चीजें बढ़ती जा रही है और बहुत सारे अपराध होते जा रहे हैं, संबंधों में बहुत सारे अपराध हो रहे हैं सेंट्रल प्लेजर के लिए, तो सब बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ देखें तो आतंकवाद की समस्या, युद्ध की समस्या, अभी युद्ध चल ही रहा है ना, फरवरी से शुरू हुआ था, नवंबर हो गया, और आप थोड़ा सा आकलन कीजिए कितने संसाधनों का इसमें अपव्यय हुआ है, ये सब चल ही रहा है। और प्रकृति में देखें तो ये सब है ही, संसाधनों का अभाव हो रहा है, कोयला को हमने इतना कंज्यूम कर लिया है कि अब कोयला कितने वर्ष रहेगा कहना मुश्किल है, पेट्रोलियम कितने वर्ष रहेगा कहना मुश्किल है। अब इन समस्याओं की समीक्षा करते हुए हमें अपनी भागीदारी, अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट होनी बनती है कि ये जो तीन तरह के उन्माद है इसमें हम तो कहीं फंसे भी नहीं है। हमारा लक्ष्य टेररिज्म को किसी तरह निपटाना है, युद्ध के लिए अधिक से अधिक सामग्री तैयार करना है, या दूसरे के साथ शांतिपूर्ण जीना है। वैसे ही हम जो कंजम्पशन कर रहे हैं है ना, उससे कहीं रिसोर्स डिप्लीट तो नहीं हो रहे, पॉल्यूशन तो नहीं बढ़ रहा। मैं यहाँ NCR में देखता हूँ, अगर आप किसी भी हाईवे पे खड़े हो जाइए और 10 मिनट के लिए ऑब्जर्व करिए तो आपको देखिए आगे कम से कम 90% कार्स में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब आप सोचिए कि इतने लोग ऑफिस जा रहे हैं, अगर हर व्यक्ति अपनी अलग कार में ऑफिस जाएगा तो कितना ईंधन की जरूरत पड़ेगा, जबकि कार में 4 लोग का स्पेस तो है ही। अगर वहां 4 लोग, 3 लोग बैठ जाए तो जो फ्यूल कंजम्पशन है वो भी एक तिहाई, एक चौथाई हो जाएगा, ठीक है ना। साइकिलिंग को अभी हमने एक हेय दृष्टि से देखना शुरू कर दिया है, साइकिलिंग मतलब तो हम सुविधा विहीन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हेय दृष्टि से देखना शुरू कर दिया है। तो कम से कम हम अपने अंदर तो इन बातों को ध्यान में ले आए कि हमारे कारण कहीं रिसोर्सेज तो डिप्लीट नहीं हो रहे, घर में जो हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं समझ के कर रहे हैं या बिना समझे कर रहे हैं, जितना मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं घर में, जितनी चीजें हमने संग्रहित कर ली है आवश्यकता के आधार पर है या ना समझे के आधार पर है, ये सब तय करना बनता है। हम कितना प्रदूषण पैदा कर रहे हैं और हवा को शुद्ध करने में हमारी क्या भागीदारी है, हम कितने पेड़ लगा रहे हैं, ठीक, हम वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए कितना काम कर रहे हैं, ये सब भी एक आवश्यक भाग है। एक तरफ हम स्वयं में जांच परख करते हैं, आकलन करते हैं अपना, और दूसरी तरफ हम भागीदारी भी करते हैं। तो इन चारों ही आयाम में, चाहे व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, प्रकृति हो, इन चारों स्तरों पर, इन चारों आयामों में अपने को भागीदारी का बहुत सारा स्कोप दिखाई देता है। एक तरीका तो हो सकता है कि इन सब समस्याओं को जो काले में लिखे हुए हम देखते रहे, समीक्षा करते रहे, इसके लिए सरकार को दोषी मानते रहे, समाज को दोषी मानते रहे और हमारी अपनी कोई भागीदारी ना हो, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे लखनऊ और कानपुर के बीच में एक ट्रेन चलती है, उसको LC ट्रेन कहते हैं, तो 2 घंटा उसमें लगता है, आप उसमें बैठ जाइए और बस एक मुद्दा छेड़ दिए, भाई ये सरकार कुछ ठीक काम नहीं कर रही, और आप चुप हो जाइए, फिर देखिए 2 पक्ष बन जाएंगे, खूब गहमा गहमी होगी, खूब तर्क वितर्क होगा, वाद विवाद होगा, एक पक्ष कहेगा सरकार ठीक करेगा, एक पक्ष सरकार ठीक नहीं कर रही और निष्कर्ष उसका ये होगा कि 2 घंटे बाद सभी उतर के अपने अपने काम पे चले जाएंगे। तो
हमने समस्या की समीक्षा तो की, वो भी पूरी नहीं की, ठीक नहीं की, बट अपनी भागीदारी को नहीं देख पाए। तो हम इन समस्याओं के निराकरण में क्या कर सकते हैं? हमें सोच सकता कुछ साथी ऑलरेडी एक्टिव हुए इस दिशा में, अच्छी बात है ना, नहीं तो हमें एक्टिव होने की जरूरत है। तो संसाधनों के अभाव को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हम रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल मटेरियल ऐसी चीजों पर काम कर सकते हैं, आवर्तनशील पद्धतियों पर, आवर्तनशील पदार्थों पर काम कर सकते हैं, प्रदूषण को कम करने में भागीदारी कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी हमारे पास अगर हमको दिखता है कि आवश्यकता से अधिक है तो हमारे पास पर्याप्त समय हो जाता है समाज के लिए काम करने के लिए। हम समाज में अभय के लिए काम कर पाते हैं, जिससे आतंकवाद, युद्ध जैसी समस्याएं जो कहीं ना कहीं परिवार से शुरू होती हैं, फैलते हुए समाज तक जाती हैं, उसका निराकरण हो सकता है। और वैसे ही परिवार में कम से कम इन तीन तरह के उन्माद तो नहीं चल रहे, ये तो हम देख पाते हैं, मेरे अंदर तो नहीं चल रहे, ये हम देख पाते हैं। मूल मुद्दा स्वयं में समझ का विकास है, मूल मुद्दा स्वयं का परिमार्जन है। और अगर आप पूरी शरीर यात्रा में देखें तो शरीर सामयिक है, हम सबको सुविधा सामयिक है, हम सबको स्पष्ट है। तो फिर जीने का लक्ष्य क्या बनता है? वो जिसमें निरंतरता हो सकती है, किसमें निरंतरता हो सकती है? तो मैं में समझ की। उस क्रम में मैं की निरंतरता को भी समझना बनता है और ये भी समझना बनता है कि पूरे शरीर यात्रा का निचोड़ यही है कि स्वयं में सही समझ हो जाए, बाकी सब तो सामयिक है। मानव का मूल स्वभाव कॉन्टिन्यूटी है, निरंतरता है, मानव निरंतरता चाहता है। तो निरंतरता किस में है यह स्पष्ट हो जाए। सुविधा में निरंतरता नहीं है, शरीर में निरंतरता नहीं है, ठीक, भाव में निरंतरता है, समझ में निरंतरता है। ये जो हम अभी संबंधों को पहचानते हैं शरीर के स्तर पर, इसमें भी निरंतरता नहीं है जी, ठीक है ना। और हमारा मूल स्वभाव निरंतरता है, ये बात जितना जितना ध्यान में आता है, फिर उस निरंतरता के अर्थ में कार्यक्रम बनाते हैं, फिर बाकी सब कुछ इसके अर्थ में घटित होने लगता है। आज के लिए असाइनमेंट देखें तो यही है कि जो कल भी हमने कहा था उसको और थोड़ा सा हम अपने आप में देखना शुरू करें। एक तो जो चार स्टेप्स हैं उसको हम देखें कि हमको स्पष्ट हो पाता है या नहीं, क्या हम सीधे समस्या की समीक्षा से शुरुआत करते हैं। और दूसरा, स्वयं में परिमार्जन के लिए अभी हम क्या कार्यक्रम बना रहे हैं, ये हमको स्पष्ट है कि नहीं कि स्वयं में परिमार्जन होना ही मुख्य लक्ष्य है, उसी अर्थ में सारा कार्यक्रम है। और स्वयं में परिमार्जन होगा तभी समाज में परिमार्जन होगा। तो ये बात देखने की है, इसमें एक और बात जोड़ लें अगर, कि अभी हम कितना समय दिन भर में समाज में फैली समस्याओं की समीक्षा में लगाते हैं और कितना समय हम उसके समाधान पे ध्यान देते हैं। तो जैसे अभी ये घटना हो गई, हो सकता है हम 2 घंटे 4 घंटे बैठ के उस पे चर्चा कर रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारा ब्लॉगिंग चल रहा है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, रिफ्लेक्शन आ रहे हैं, अभी सब समस्या के ही लेकर उसके बारे में बात हो रही है, क्या समाधान पे ध्यान है हमारा या नहीं, ये भी देखने की बात है। इन जनरल भी कि अभी हम दिन भर में कितना समय समस्या के विचार पे लगाते हैं और कितना समय हम समाधान के लिए लगाते हैं, ये भी अपने आप में आकलन करके देखना जरूरी है। तो ये आज के लिए असाइनमेंट रहेगा।